Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. Passive voice का topic है अगला part. Passive voice बनाने में traditionally क्या करते हैं कि last में जब adjunct को last में ले जाते हैं object की जगह तो by लगाते हैं उससे पहले. लेकिन बहुत सारे passive voice ऐसे होते हैं जिसमें सब में by नहीं लगता है, कई में टू लगता है, कई बार इन लगता है, कई बार एड लगता है, कई बार विद का प्रयोग होता है. और ऐसे पर्सन अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो स्टूडेंट बाय लगा के बाय वाला ऑप्शन कर देते हैं और उत्तर गलत हो जाता है. तो आज उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे. चलिए शुरू करते हैं पैसिव वॉइस में वेयर बाय इज नॉट यूज्ड. वी विल डिस्कस हियर द कंडीशंस वेयर बाय विल नॉट बी यूज्ड इन ए पैसिव सेंटेंस. कौन सी कंडीशंस है वो देखिए. इधर नॉन मैरिड एडमिटेड ऑलवेज फॉलोड बाय टू इन अ पैसिव सेंटेंस नॉट बाय. इंटरेस्टेड कंटेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन इन नॉट बाय. सरप्राइज अलार्म एट एंड सटिस्फाइड डिससटिस्फाइड प्लीज्ड ये विद का प्रयोग होता है इनके साथ. इस और भी ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ में बाय के अलावा दूसरे प्रेपोजिशन आते हैं, लेकिन आज हमने इतने ही लिए. चलो शुरू करते हैं. राम मैरिड सीता. तो अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो रूल्स ये कहते हैं कि सीता यहां गया बिकॉज इट इज ए पास्ट सिंपल टेंस. तो यहां हमें वाज या वर करना है. अकॉर्डिंग टू सीता वाज हो गया. सीता वाज मैरिड मैरिड. अब अगर यहां आप ऐसे करते हो, हमारा मेन टॉपिक का उद्देश्य यही है कि यहां आपको अगर आपने बाई किया है तो वो बाई गलत है. यहां आपको करना है टू मैरिड टू. सीता वाज मैरिड टू राम नॉट बाय राम. ये चीज एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जाती है, फिर स्टूडेंट गलत करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई नो हिम वेरी वेल. दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अगर इधर आएगा तो इसका हो जाएगा ही. नाउ बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस देन यू विल हैव टू यूज योर इज आर एंड एम. Because he is a singular noun, so is used here. He के साथ is आएगा. अब he is non. यहां इसमें दो चीजें. एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि no के बाद में to आएगा एक बार. दूसरी बात ये very well जब passive voice बनाते समय हम बचे हुए शब्द को बाद में लिख देते हैं. यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये very well है. यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर है. एडवर्ब ऑफ मैनर एक वर्ब के बाद में आता है एक्टिव वॉइस में और वर्ब से पहले आता है पैसिव वॉइस में. ये इस तरह से आता है. तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो तो ही इज अब हम नॉन करेंगे यहां पे तो नॉन से पहले लाएंगे क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर पैसिव में वर्ब से पहले आता है. तो यहां क्या करेंगे इज वेरी वेल. वेरी वेल देन नॉन. अब हम जो मूल बात कर रहे हैं कि टू इज फॉलोड By the past participle, by यहां गलत होगा. यहां पर करेंगे to me. मैं अपना यहां बताने का मकसद यही है कि ये चीज करनी है जब ये वर्ब आए तो. ये चीज करनी है जब ये वर्ब आए तो. पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं. Our school admitted a large number of girls this year. Our school admitted. तो this is a verb here. के admitted. तो आप इससे जब अब इसमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट में के पार्ट बहुत ज्यादा है तो इसमें
जनरली स्टूडेंट क्या देखते हैं, एडमिटेड है तो लार्ज इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा या सबसे लास्ट वाला होगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए पहले हम चर्चा करते हैं एडमिटेड, क्वेश्चन कीजिए व्हाट एडमिटेड या टू हूम एडमिटेड, क्या और किसे का, जब दो क्वेश्चन करेंगे तो यहां आएगा टू हूम, तो ये लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो यहां आप करोगे ए लार्ज, ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स पास सिंपल टेंस है, वॉज पर आएगा, गर्ल्स के साथ वर वर एडमिटेड बाय आवर स्कूल, नो एडमिटेड टू आवर स्कूल, ये ही मकसद था। नेक्स्ट देखिए फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट एवरीवन, तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट एवरीवन है, एवरीवन क्योंकि इंटरेस्ट प्रेजेंट सिंपल है, इस बारे में आएगा, तो इट्स एवरीवन एवरीबॉडी समवन समबडी नो वन नोबडी इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब इन इंग्लिश, तो यहां एवरीवन इज इंटरेस्टेड, इन फिल्म म्यूजिक, यहां देखिए इंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, यहां इंटरेस्ट था तो इंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, बाय का प्रयोग हमें नहीं करना है। अब ये देखिए योर वीडियोज ऑफ इंग्लिश प्लीज मी, तो योर वीडियोज ऑफ इंग्लिश प्लीज मी में ऑब्जेक्ट हो गया आई, आई आ जाएगा यहां पे, आई के साथ इज आर एम आएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का बेसिक वॉइस बना रहे हूं, तो आई एम प्लीज्ड एंड प्लीज्ड विथ, प्लीज्ड के साथ विथ प्रेपोजिशन आएगा, बाय नहीं आएगा, आई एम प्लीज्ड विथ योर वीडियोज, वीडियोस ऑफ इंग्लिश। ठीक इसी तरह से और भी जो वर्ब है जैसे अलार्म सरप्राइज्ड, इसको दो तीन एग्जांपल हो रहे हैं, मैं इसको रिलेज कर देता हूं, मिटा के आपको बताता हूं, ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द न्यूज ऑफ लॉकडाउन अलार्म्ड अस, यहां अलार्म्ड वर्ब है और यहां सटिस्फाइड है, अलार्म के साथ ये दोनों जो सेंटेंस है इसमें अलार्म्ड और सटिस्फाइड है, इनके बाद में बाई नहीं आएगा, इनके बाद में अलार्म के बाद में ये एट आएगा और सटिस्फाइड के बाद में विद आएगा। देखिए इसका बनाते हैं, अलार्म वी ऑब्जेक्ट है, यहां पे वी को इधर लिया, अस का वी हो गया, न्यूज ऑफ लॉकडाउन अलार्म पास सिंपल टेंस है तो वी के साथ वॉज या वर में से एक आएगा, तो वी वर अलार्म, अलार्म इज फॉलोड बाय एट, एट द न्यूज ऑफ लॉकडाउन, यहां पर आपको ऐड करना है बाय नहीं करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर आंसर सटिस्फाइड मी, तो ऑब्जेक्ट आएगा आई, अब आई सटिस्फाइड फिर वॉज और वर्ब में से लेना है, इसके साथ आई वॉज सटिस्फाइड सटिस्फाइड इज फॉलोड बाय विथ, I was satisfied with your answer,
नॉट आंसर, आंसर। तो ये जो चीजें हैं एक बार इधर दिखाएं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इनको एक बार ध्यान रख सको, याद रख सको। नॉन मैरिड एंड एडमिटेड के साथ टू आएगा, इंटरेस्टेड कंटेंट के साथ इन आएगा, सरप्राइज्ड एंड अलार्म के साथ एट आएगा, सैटिस्फाइड और प्लीज के साथ विद का प्रयोग होगा। बाय का प्रयोग यहां करना गलत होता है। उम्मीद करते हैं कि आपके ये वेयर बाय इज नॉट यूज्ड का टॉपिक पैसिव वॉइस का अच्छी तरह से समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छे वाले लाइक करें। थैंक यू।